बिहार में संविदा नौकरी को लेकर चल रहे घमासान के बीच नीतीश सरकार के डिप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में आने वाले दिनों में 50,000 से ज्यादा नौकरियों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। यह भर्ती बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में की जाएगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि तृतीय और चतुर्वर्गीय पदों पर 50,000 बहाली की जाएगी। डिप्यूटी सीएम का यह ऐलान उस वक्त आया है जब बिहार में संविदा को लेकर नीतीश कुमार ने एक आदेश जारी किया है और विपक्षी पार्टी सरकारी नौकरी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। वहीं बिहार सरकार में कृषि विभाग में आने वाले कुछ दिनों में राजस्व, कृषि, पुलिस विभाग में भर्ती निकलेगी। बिहार सरकार के कृषि विभाग के पौधा संरक्षण विभाग में जल्द ही 1175 पदों पर नियुक्ति करने वाली है। सूबे में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विभाग की समीक्षा के दौरान खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि इस विभाग में जल्द ही बहाली शुरू कर दी जाएगी। बीपीएससी भी बहाली को लेकर काफी आगे सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 64वें संयुक्त परीक्षा के तहत करीब 1450 पदों पर बहाली करेगी। वहीं 65वीं संयुक्त परीक्षा के तहत 550 सीटों पर नियुक्ति की जाएगी, जबकि 66वें संयुक्त परीक्षा के तहत 689 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं 66वीं संयुक्त परीक्षा की पीटी परीक्षा हाल में ही संपन्न की गई है। न्यूज डेस्क, नेशन न्यूज, पटना।